इस बारे में क्या आवाज उठाएंगे? 12 तारीख को हम बीदर आ रहे हैं जी, और फिर आने वाले दिनों में बीदर में कुछ फॉरेस्ट के लिए नई स्कीम कुछ होंगे। बिल्कुल, बीदर में अभी हमने तय किया है राज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस लोन फैसिलिटी अवेलेबल। विकास सौदा में ये जो फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का आज जो ऑफिस है इसका पूजा करके इनॉग्रेट करके आज हम लोग काम प्रारंभ किए हैं। मेरे ऊपर जो भारतीय तालुके के जनता, बीदर जिले, राज्य के और हमारे जो नेताएँ हैं, मेरे पूज्य पिताजी भीमाना कर्णे जी का आशीर्वाद, हमारे मन का आशीर्वाद से आज विधायक बन के, मंत्री बन के मैं जनता का सेवा कर रहा हूँ। ये जो हमारे हाईकमान मुझे फॉरेस्ट और एनवायरमेंट का मिनिस्ट्री दिया है, ईमानदारी के साथ ये मिनिस्ट्री में काम करके निभा के कर्नाटक राज्य में ही जो यहाँ पर जंगल है, जंगल का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना और यहाँ पर अच्छा शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और जो भूमि है, इस भूमि को फिर हमारे आने वाले पीढ़ी को भी अच्छी तरह से जिस तरह से सुरक्षित है और सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हम सब लोगों का है, तो मैं उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने के लिए काम करूंगा और लोगों का, जनता का जो भी विश्वास है, प्यार है, मोहब्बत है, वो सब रख ले के कर्नाटक राज्य को अच्छी तरह से एक अच्छा कीर्ति आना और ईमानदारी से काम करना। सर, आने वाले दिनों में बीदर में कुछ फॉरेस्ट के लिए नई स्कीम कुछ होंगे? बिल्कुल, बीदर में अभी हमने तय किया है कि कम से कम 5 लाख पौधे बीदर में लगाने के हैं और पूरे कर्नाटक राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाने का योजना हम बनाए हैं। वो योजना आज से 5 तारीख से प्रारंभ हुआ है, आने वाले जून 5 तारीख तक विश्व पर्यावरण दिवस जो है वहाँ तक 5 करोड़ पौधे हम लगा के यहाँ पर जो है ना अरण्य क्षेत्र को बढ़ाने का काम हम करेंगे। सर, आपको डिप्टी सीएम देने की मांग की जा रही थी लेकिन नहीं दिया गया, तो आप पार्टी से नाराजगी तो नहीं? बस है, जो भी जिम्मेदारी दिया गया है वो अच्छी तरह से निभाएंगे। चलिए सर, मुझे हरिओम लोन के लिए बहुत फाइट करें सर, इस बारे में क्या आवाज उठाएंगे सर? पिछले सरकार में जो सभी समुदाय के, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जो भी कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम को रद्द कर दिए बीजेपी सरकार, उसको फिर एक बार करने का, केएमडीसी में जो हमारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थिनियां हैं, उनको मदद करने का काम हम करेंगे। सर, बीदर का दौरा कब है सर आपका? 12 तारीख को हम बीदर आ रहे हैं जी, और बीदर में जो भी चल रहा है उसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं। जिलाड़ित के साथ हम संपर्क में हैं, बीदर जिले के विकास के लिए नया एक बहुत बड़ा योजना बनाएंगे। म्युनिसिपैलिटी दोबारा और बीदर जिले को ही मिला है भैया, बहुत खुशी की बात है। रहीम खान जो मैं पहले म्युनिसिपैलिटी का मंत्री था, जी जी, आज